ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब बात करेंगे चुनाव की खबरों की। यूपी के दो आखिरी चरण का चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर है। इसी को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश सिंह ने बात की है समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन और डिंपल यादव से। सुनिए। साथ समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ सांसद जया बच्चन जी हैं। जया जी, किस तरह से चुनाव को आप देख रही हैं? देखिए, लोगों में उत्साह बहुत है। नौजवान जो है बहुत ही उम्मीद लगा के बैठा है कि कोई उनकी तरफ से बात करने वाला होगा। महिलाएं इस बात का इंतजार कर रही हैं कि इन 5 सालों में ये सारे जो लोग हैं, युवा हैं, नौकरी नहीं है, महिला है, सुरक्षा नहीं है। अभी मुझे बार बार वही बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये सब इंतज़ार कर रहे हैं। अब सब लोग वोट देंगे, जिताएंगे। देखना है कि जया बच्चन आएगा, उत्तर प्रदेश का कल्याण करेगा। जया बच्चन जी और डिंपल यादव लगातार जो हैं अब प्रचार कर रही हैं, अखिलेश यादव के कंधे में कंधा मिलाकर जो है प्रचार कर रही हैं। हाँ, तो करना ही चाहिए, जो ठीक है, जो सही है, उसके लिए प्रचार करना ही चाहिए। अच्छा मैम, किस तरह से आपको लगता है कि आने वाला जो समय है, जो चरण है, उसको लेकर क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं जो कि हावी रहेंगे? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो सरकार है वो जितनी गलतियां खुद करते हैं वो हमारी पार्टी के ऊपर थोप देते हैं। लोग इस बात को समझ रहे हैं। चलिए, हम लैंड ऑर्डर को लेकर साधा निशाना साधा जाता है कि लैंड ऑर्डर नहीं, ये बकवास है। वही तो मैं कह रही हूँ, खलील जिब्रान का नाम सुने हैं? उन्होंने कहा था डोंट जज अदर्स बाय द नॉलेज ऑफ योर सेल्फ। तो जो काम, गलत काम वो कर रहे हैं, वो सारी गलतियां हम लोगों की है। क्या बात करते हैं बेकार।